हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 8 फॉर क्लास 8, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 17 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम अपना जो अध्याय है लाख की चूड़ियाँ, उसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे चैप्टर को पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक कौन है कामतानाथ, उसका तीसरा भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक में पूरा भी पढ़ सकते हो। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, चिढ़ का मतलब क्या होता है, यानी वो जो है अप्रसन्न होता था या चिढ़ जाता था, तो वो था कांच की चूड़ियों से। उसको कांच की चूड़ियाँ जो है वो अच्छी नहीं लगती थी, वो नहीं चाहता था कि औरतें वो कांच की चूड़ियाँ पहने। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में वह कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता, यानी अंदर ही अंदर जो है वो उसको जो है वो बात उसको कचोटती थी कि कांच की चूड़ियाँ क्यों पहन रखी हैं। और कभी कभी तो वो दो चार बातें भी सुना देता था। मुझसे तो घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में पूछता, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछ लेता था। मैं उससे कहता कि शहर में तो सब कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं। तो यहाँ पे जो बदलू है वो जो है शहर की औरतों पर ऐसे कटाक्ष करते हुए बोलता है कि वहाँ की तो बात ही कुछ और है, वहाँ पर तो औरतें जो हैं वो क्या करती हैं, मर्दों का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं और उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। तो यहाँ पे बदलू क्या कहता है, वो मानता है कि जो शहर की औरतें हैं वो मेहनत का काम नहीं करती हैं, वो जो है बिल्कुल ऐशो आराम में जीवन व्यतीत करती हैं। तो ऐसा जो है बदलू मान के और कहता है कि लाख की चूड़ियाँ, क्योंकि देखो लाख की चूड़ियाँ बच्चों वो थोड़ी भारी होती हैं कांच की चूड़ियों की बजाय, तो इसलिए वो मानता है कि लाख की चूड़ियाँ भारी होती हैं, शहर की औरतें काम कुछ करती नहीं हैं, तो उनके बस की कहाँ है लाख की चूड़ियाँ पहनना, अगर उन्होंने पहन ली तो उसके भार के कारण उनके हाथों में मोच आ जाएगी। तो ये यहाँ पर बदलू जो है कहना चाहता है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। तो देखो गांव में जो है बच्चों ऐसे ये जंक फूड जो शहर में खाते हैं ऐसा कुछ नहीं खाते हैं, वहाँ पे दूध ज़्यादा पीते हैं, मलाई खाते हैं, ठीक है, और सारा जो है सारी चीज़ें लगभग ऑर्गेनिक होती हैं। आम की फसल में तो मैं रोज़ यहाँ से दो चार आम खा जाता, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि वह मेरे लिए एक दो गोलियाँ बना देता। तो जो लेखक है उसको उसकी बनाई हुई लाख की गोलियाँ वो जो बहुत पसंद आती थी, इसलिए वो क्या करता था, वो वहाँ पे जाता था और उससे लाख की गोलियाँ बनवा कर ले आता था। अब यहाँ पे नए शब्द दिए गए हैं। चिढ़ने का मतलब क्या होता है, चिढ़ जाना यानी अप्रसन्न या खिन्न होना। नाजुक का अर्थ होता है कोमल, खातिर का अर्थ होता है आवभगत करना, ठीक है ना, जैसे कोई मेहमान आता है तो उसकी खातिरदारी करते हैं ना, आवभगत करते हैं, तो वो होता है। अब यहाँ पे गद्यांश को पढ़कर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, बदलू को किस बात से चिढ़ थी। तो बच्चों बदलू को किस बात से चिढ़ थी, तो बदलू जो है वो लाख की चूड़ियाँ उनसे चिढ़ थी, या ख कांच की चूड़ियों से, ग सोने की चूड़ियाँ, या घ प्लास्टिक की चूड़ियाँ। तो बदलू को किस बात की चिढ़ थी, बदलू को जो है कांच की चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगती थी, तो बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी, तो ख जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर टू, बदलू लेखक से किस बारे में बात जो है किया करता था। तो बदलू किस बारे में, पढ़ाई घर व शहर के बारे में, खेल दुकान व गांव के बारे में, नौकरी खेत व स्कूल के बारे में, या खाना बाग व फैक्ट्री के बारे में। तो बदलू लेखक से किस बारे में बात करता था, वो उससे पढ़ाई की पूछता, शहर की बातें पूछता था, तो क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा देखिए, लेखक को किस कारण से बदलू सबसे अच्छा लगता था। तो किस कारण से बदलू सबसे अच्छा लगता था, क वह उसके लिए लाख की गोलियां बनाता, ख वह उसके लिए लाख के खिलौने बनाता, ग वह उसके लिए लाख के बर्तन बनाता था, या घ वह उसके लिए लाख की चूड़ियां बनाता। तो बदलू उसको क्या देता था, बदलू लेखक को लाख की गोलियां बनाकर देता था जिसके कारण वह उसे अच्छा लगता था, तो क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपको तीन प्रश्न दिए गए हैं जिनको वन बाय वन हम करेंगे। तो आइए बेटा करते हैं आंसर।
देखिए प्रश्न चार है, आपके विचार से बदलू कांच की चूड़ियों से क्यों चिढ़ता होगा, अनुमान लगाइए। तो देखिए सबको कांच की चूड़ियाँ जो हैं वो क्या थी, भाने लगी थी, और उसके व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को अंदर ही अंदर क्या थी, कचोटती थी, परंतु वह अपनी इस वेदना को किसी को प्रकट नहीं कर पाता था। इस कारण बदलू कांच की चूड़ियों से नफरत करता था, क्योंकि अगर सब कांच की चूड़ियाँ पहनने लगे तो बदलू का जो व्यवसाय है वो बंद हो जाएगा, तो इसीलिए उसको कांच की चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगती थी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न पाँच है, शहर की और बात है, बात और है लल्ला, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए, आपके विचार से बदलू की इस बात से उसकी जो है शहर की औरतों के बारे में क्या राय उजागर होती है, वो आपको लिखना है। तो बदलू किस बात, बदलू की इस बात से ऐसा लगता है, ठीक है आप यहाँ पे लिख लेंगे, बदलू की इस बात से ऐसा लगता है जैसे वह शहर की औरतों के बारे में सोचता है कि वह बहुत ही नाजुक होती हैं और मेहनत करने वाले काम भी नहीं करती, और लाख की चूड़ियाँ कांच की चूड़ियों से थोड़ा भारी होती हैं, इसलिए उसका मानना है कि वह उसका बोझ नहीं उठा पाएंगी। तो ऐसा जो है यहाँ पे बदलू शहर की औरतों के बारे में सोचता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न छः दिया गया है, आइए एक गतिविधि करते हैं। गतिविधि क्या है, लेखक बदलू के यहाँ आम व मलाई आदि खाता था, हमारे यहाँ कोई आए तो हम उसे मलाई या आम अक्सर नहीं खिलाते, आपको गांव और शहर की खातिरदारी व खानपान में क्या अंतर दिखाई देता है, लिखिए। इस गतिविधि के लिए आप घर के बड़ों की सहायता अवश्य लीजिए। तो बेटा शहरों में जो है मोस्टली अगर कोई घर में आता है तो वो चाय, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक इन सबसे उसकी आवभगत की जाती है, लेकिन गाँव में अगर हम गाँव के कल्चर की बात करें, वहाँ के खानपान की बात करें, तो देखिए गाँव में क्या होता है, वहाँ पर जो मलाई है, दूध है, वो दिया जाता है, ठीक है, तो काफ़ी फ़र्क है। और इवन शहरों में जो जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, गांव में वो भी नहीं चलता, तो शहर जो गांव में वहाँ पे जो बिल्कुल एकदम ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा मिलती हैं, इसलिए वहाँ की आवभगत में और शहर की आवभगत में अंतर है। तो आंसर आप लिख देंगे, आपके मन में जो भी विचार हैं इस बारे में वो आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए शहर में अगर कोई घर आता है तो उसे चाय, बिस्किट या कोल्ड ड्रिंक दी जाती है, जबकि गांव में अगर कोई मेहमान आता है तो उसकी खातिरदारी दूध, हलवा इत्यादि देकर की जाती है। तो इस तरह से आपको इसका जो है आंसर लिख देना है, क्लियर। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा हिंदी की वर्कशीट, आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये वर्कशीट क्लियर है, बहुत ही आसान सी वर्कशीट है, आप चाहो तो कंप्लीट चैप्टर को एक बार में आप एनसीईआरटी से समझ सकते हो। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, टेक केयर।